Are we all set to be बेपरवाह? किसी की परवाह नहीं करेंगे हम लोग. Well, on behalf of Eros International and Vicky Rajani, ladies and gentlemen, let me take this opportunity of welcoming you. आप लोग बड़े कमाल हो यार यहाँ पे, मतलब जितने लोग बैठे हैं. I can see, Tiger, तुम वहाँ क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, तो यहाँ पे let me tell you, we are all set to launch this song called. जय हो देवियों की जिन्होंने बोला. So we all set to launch this song and कल के दिन नागपुर में एक कॉन्सर्ट हुआ था जब 20,000 से ज्यादा लोग थे, लेकिन हमको अश्योरेंस मिला है, टाइगर ने बोला है, निधि ने बोला है कि यहाँ पे 20,000 से ज्यादा लोगों वाला हल्ला होगा. मतलब मुझे तो लग रहा है कि इट्स अ ग्रैंड सॉन्ग लॉन्च, तो ऐसा होना चाहिए. हो सकता है क्या? कैन वी इवन भाई, ये देशभक्ति दिखाई तूने इस गाने के लिए. आई लव यू. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन, मेक सम नॉइज एज वी आर ऑल सेट टू इंट्रोड्यूस द बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ 2018, दैट इज बेपरवाह. कम ऑन. अरे ये तो वंस मोर का कुछ असर ही नहीं हुआ यार. अच्छा ठीक है, कैन वी प्ले द सॉन्ग? थोड़ा सा एक एक स्टेप खाली टाइगर और निधि को करते देखना चाहोगे या नहीं? यू हैव टू स्टैंड अप या जैसे पहले किया था. ओके, आई लव यू गाइस, दे गॉन टू डू इट. टाइगर, व्हाट डू यू से? एक एक स्टेप और बनता है. आई टेक द माइक्स, वन मोर स्टेप ओनली बोथ ऑफ यू. हाँ, बार बार लेट मी कंग्रेचुलेट यू गाइस. यू नो द ट्रेलर वाज ऑसम, मतलब जो रिस्पॉन्स उसको मिला. थैंक यू सो मच. द सॉन्ग्स हैव बीन डूइंग सो सो वेल एंड नाउ विद बेपरवाह यू जस्ट किल्ड इट. या द काइंड ऑफ रिसेप्शन दैट यू पीपल हैव गॉट एंड कल के दिन जो कॉन्सर्ट हुआ था, आई वांट यू टू टेल अस समथिंग अबाउट दैट, यू एंड निधि ऑफ कोर्स. तो हाय गाइस, सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार आप सबको. तो कल हम नागपुर गए थे, कॉन्सर्ट था वहां पर और लगभग 20,000 लोग थे. तो इट वॉज वेरी वेरी लाउड. पर यार सच बात ये कि दिस क्राउड ओवर हियर वाज एक्चुअली लाउडर देन देम, सरप्राइजिंगली. तो आप सब के बहुत बहुत बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. हाँ, और या लॉट ऑफ लव यस्टरडे जी फॉर यू, यू नो, फर्स्ट फिल्म एंड ऐसा रिसेप्शन, यू ऑलरेडी अ स्टार यार, पीपल आर लविंग. आई एम नॉट इवन क्लोज टू अ स्टार, अभी तो बहुत टाइम है.
टाइगर टाइगर का डायलॉग बोलूं तो अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग ऐसी है तो आगाज कैसा होगा, है ना? टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग एंड इसके पीछे जिन लोग की मेहनत गई है, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एज आई वेलकम ऑन स्टेज द कैप्टन ऑफ द शिप साबिर खान साहब एंड विथ हिम, जिनके बिना ये शायद पॉसिबल नहीं हो सकता था, ऑफकोर्स द प्रोड्यूसर मिस्टर विकी राजानी। जोरदार तालियां हो जाए। साहब का क्या कहना है वो मैं जानूंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं प्रोड्यूसर साहब की चाल सब कुछ बोल रही है। द फिल्म इज ऑलरेडी अ ब्लॉकबस्टर। जिस हिसाब से राजानी साहब ने एंट्री मारी ना, डूड वी ऑलरेडी डन इट। या सो व्हाट डू यू हैव टू से द काइंड ऑफ रिसेप्शन द मूवी इज गॉट? बहुत हम लोग बहुत खुश है, सबको गाने बहुत पसंद आ रहे हैं और ट्रेलर इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड बाई एवरीवन एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज वेरी गुड, सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रिलीज राइट नाउ। थैंक यू सो मच साबिर साहब, दिस वन्स फॉर यू। प्लीज मुझे बताइए, रिसेप्शन की बात हमने की, टाइगर ने बताया कैसे कल 20,000 से ज्यादा लोग थे इस गाने के यू नो लॉन्च पे उस कॉन्सर्ट में, अभी क्या बोलना है, मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा आ गई है रिलीज को पिक्चर, सो व्हाट आर द फाइनल थॉट्स? आई थिंक हमारे प्रमोशंस में, गानों में, ट्रेलर्स में हमने हर चीज वो कन्वे कर दिए जो ऑडियंस को करनी चाहिए। बस प्लीज कम एंड वॉच द फिल्म 21 जुलाई। ऑफ कोर्स दे गॉट टू गो एंड वॉच दिस मूवी, राइट? यू गॉट टू बी बेपरवाह एंड वॉच मुन्ना माइकल, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड विद दिस आई थिंक ये ग्रैंड लॉन्च तो हो गया, अब इसको आगे बढ़ाते हैं शाम को। इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। यहां से हम लोग तैयार हैं सवाल जवाब लेने के लिए? अच्छा, आई कैन सी द माइक्स ऑलरेडी गोइंग यहां से वहां, वहां से यहां। जी, ओवर टू यू। हाय हाय, दिस इज रवि कुमार फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई। मेरा सवाल टाइगर आपसे है। टाइगर, आपकी आपकी जो डांसिंग है या फिर आप जो एक्शन करते हैं उसके सभी बॉलीवुड के जितने भी कलाकार हैं या सुपरस्टार हैं सभी बहुत बड़े फैन हैं। वो अक्सर ये कहा करते थे, कहा करते भी हैं कि मुझे टाइगर से डांस सीखना है, मुझे टाइगर से एक्शन सीखना है। जब इतने बड़े बड़े सुपरस्टार आपको इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हुए सीखने की बातें करते हैं तो आप पर्सनली क्या सोचते हैं? मुझे आज तक पर्सनली कोई स्टार ने बोला ही नहीं है पर सच बात यह है कि बहुत बहुत खुशी की बात है अगर दिस इज ट्रू। और मैं हमेशा, मतलब मैं इन सब के बहुत 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 बड़े फ़ैन हूँ, तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा जब भी किसी को सीखना चाह, मतलब जो भी वो सीखना चाहते हैं, मैं हमेशा, मतलब आई एम रेडी टू हेल्प देम एज मच एज दे वांट। इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी, थैंक यू। एक अवार्ड फंक्शन में शाहरुख खान ने भी मेंशन किया था कि आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग। क्या बात कर रहे हो, एक्शन सीखना चाहूँगा। आई थिंक शाहरुख सर को जरूरत नहीं, ऑलरेडी इतने बड़े सुपरस्टार है, वो एक्शन भी करेंगे तो हमारा क्या होगा फिर, सोचो। बट नो, आई थिंक वो ऑलरेडी ही नोज एक्शन एंड ही इज वेरी गुड हिमसेल्फ। आई हैव सीन, इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। बट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड यू आर क्वाइट पॉपुलर इन साउथ एशियन कंट्रीज, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरहद पार भी लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं, सब हर जगह, क्या कहेंगे? पता नहीं यार, किस्मत अच्छी है मेरी शायद। I don't know. हाय टाइगर रवि। अरे हाय सर। हाँ टाइगर, आप सब जानते हैं डांस में अच्छे हैं, एक्शन बहुत अच्छा करते हैं। कॉमेडी जो द कपिल शर्मा शो जो है, कॉमेडी के लिए जाना जाता है, हर कोई देखता है, तो आज आप इस सेट पे आए, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये जो जॉनर है कॉमेडी का, वो आप अटेम्प्ट करना चाहोगे आउट एंड आउट कॉमेडी? क्योंकि बड़े बड़े स्टार शाहरुख सलमान से लेकर सब ने किया है। यार ट्राई करूँगा, थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया मैंने फ्लाइंग जेट में, पर वो उतनी उड़ी नहीं तो हाँ, पर इसमें मुन्ना माइकल में काफ़ी ह्यूमर है, तो इसमें देखेंगे कैसा लग रहा है आप सबको। और अगर मैं पूछूं कि कॉमेडी में कौन आपको पसंद है, क्या आप कपिल शर्मा शो देखते हैं, तो कुछ बताएं। मैं कपिल सर का फ़ैन हूँ बहुत पहले से। मुझे याद है जो पहली बार हम आए थे कपिल सर के शो में, पापा मेरे साथ थे और बहुत मज़ा आया कपिल सर के साथ। जब भी आता हूँ मैं हमेशा हंसता हूँ और हमेशा इंस्पायर होकर जाता हूँ, तो आई एम अ बिग फैन ऑफ कपिल शर्मा ऑफकोर्स। निधि, हाय निधि। हाय हाय।
कपिल शर्मा शो में जो भी स्टार आता है, तो जो नए लोग आते हैं कपिल उनके साथ कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट करते हैं, ज्यादा प्रैंक खेलते हैं या ज्यादा रोस्ट करते हैं, तो कुछ नर्वसनेस है आपको आज इस सेट पे आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑनेस्टली बताओ तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आ जाके, क्योंकि जब मुझे ये पिक्चर मिली थी और मेरे फैमिली फ्रेंड्स को पता चला था, द फर्स्ट थिंग दे आस्क्ड मी इज, ओ सो विल यू बी गोइंग फॉर कॉमेडी नाइट्स यू नो कपिल के शो पे? तो मैंने बोला हाँ आई गेस। तो आई थिंक मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ पे आके, और अभी तक शो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो देखते हैं। I would like to know what motivated you to do this film, director Sabir Khan or Michael Jackson? Dono. I think both, you know, I'm very close. He made this third picture Sabir sir ke saath. Heeropanti Baghi aur Munna Michael abhi. So he's like family to me. Aur upar se Michael Jackson bhi, you know, is a huge, huge part of our film. As we are paying a small tribute to him. So I think both, man. My next question is to director sir. Yes. I read that in the newspapers that it was very easy for you to convince Nawazuddin Siddiqui for the movie. It was easy to convince him for the film. Very tough to get him to actually dance. So every time that we planned the shoot or scheduled it, he would chicken out and say he was not feeling too well. Till we had to remind him a month back that the film is up for release. Do you think this movie then brought out the dancer in Nawazuddin Siddiqui? I hope so, and people make him dance more. Thank you so much. Thank you. Tiger, hi. Nidhi, hi. All right. My question thoda sa alag hai, of course. So the question is, recently a director has tweeted, you don't need to be arrested for gay shaming, body shaming, slut shaming and any shaming because we are already living in a jail. Do you think we are living in a jail? कुछ समझ में नहीं आया मैडम, आई स्वेयर आई रियली डोंट अंडरस्टैंड यू। कुछ समझा ही नहीं मुझे जी। माइक चेक। All right, can I, okay, recently a director has tweeted that, you know, if gay shaming, slut shaming, body shaming is there in India, you won't be getting arrested for that because we are already living in a jail. Mera question sirf aapse ye hai ki kya aapko lagta hai ki India ek jail hai ya phir aapke alag koi khayalat hai? मेरी मैनेजर वहां पर बैठी है, बोली यार आंसर मत करो, आंसर मत करो, नहीं तो फंस जाओ। जोरदार तालियां, कम ऑन, थैंक यू सो मच जी। अगला क्वेश्चन। आप तो ऐसे शर्मा रही हो मोहतरमा, मतलब क्या पूछ लिया होगा? शी लाइक नो मैं नहीं पूछ रही, कोई नहीं जी। टाइगर सर, सॉरी निधि मैम, माय क्वेश्चन इज फॉर यू। We know Tiger sir is a little shy, so how is he been a colleague with you in and throughout the film? Is he shy in talking also, or he looks shy but he isn't? टाइगर बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल लड़का है, यू नो, उसका दिल बहुत ही साफ है, ही इज़ अ नाइस गाय, बट ही इज़ नॉट एग्जैक्टली शाय। उन्होंने मुझे बहुत ही हेल्प किया है इस पिक्चर में ड्यूरिंग फिल्मिंग, तो आई थिंक या All said and done, उनका दिल बहुत जोर से धड़क गया सवाल पूछते पूछते, वो दिख रहा था, you know, he's like, मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ लेता हूं। जी, अगला question, we'll just take one last question, and उसके बाद big surprise for you people, पता है ना? नहीं? Tiger sir, निधि मैम, yeah. नागपुर का experience किस तरह से रहा देखा जाए तो? यार जैसे हम कह रहे थे बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत बड़ा टर्नआउट था, ओवर 20,000 लोग मौजूद थे कल, और उनके सामने परफॉर्म करना बहुत नर्वस था, पर बहुत एक्साइटेड था क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रहा था क्राउड से। और हाँ, तीन मुन्ना माइकल के तीन गाने पे परफॉर्म किए, मैं हूँ, डिंग डैंग और बेपरवाह। बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला नागपुर से, आई होप कि उन लोग सब जाके हमारी फिल्म देखे। मुझे वहाँ से इशारा किया है कि एक आखिरी कुछ पूछना चाहते हैं, राइट? टाइगर, लास्ट टाइम जब आप द कपिल शर्मा शो में आए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सुनील ग्रोवर भी थे इस शो में। अब सुनील ग्रोवर नहीं है इस शो में, और उसके बाद काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई, क्या आप उनसे उन्हें मिस करेंगे आज? हाँ बिल्कुल, पर टीम भी, बाकी लोग भी है, और कपिल सर तो बाप आदमी है। बिल्कुल, और इस कमाल की टीम के साथ इट्स टाइम टू गो बेपरवाह, इट्स टाइम टू गो बेपरवाह। सो नाउ द बिग सरप्राइज, जैसा मैंने कहा था, कहाँ आए हैं हम, तो उनको बुलाना बनता है, उसके लिए थोड़ा हल्ला करना बनता है, तो
Ladies and gentlemen, give it up for the most beparwa banda of the industry, Kapil Sharma. Thank you so much. Thanks a lot. So good to see you, Paji. Welcome. ये देखो अपने लोग बिठाए रहते हैं उनका फायदा रहता है. Thank you. You know, the Ghana is doing really well जब से ये आया है और हम पूरी रिसर्च करके आए. हमने बाहर भी पूछा, उन्होंने कहा ये टीम सबसे ज्यादा बेपरवाह है इंडस्ट्री में और यही टैग आपको भी दिया गया है. आपसे ज्यादा बेपरवाह कोई नहीं है, तो इसका क्या राज है? मुझे वैसे क्यों बेपरवाह क्यों कहा आपने? आजकल मुझे कोई कुछ भी बोलता है ना, मेरा ध्यान चल जाता है कि मुझे कोई टीज कर रहा है, पता नहीं ऐसा. एनीवेज, बेपरवाह नहीं, पर हाँ, आई एम ग्रेट फैन ऑफ टाइगर. जब टाइगर की पहली फिल्म आई थी हीरोपंती, मुझे शुरू से एक कनेक्शन सा लगता है टाइगर के साथ, बिकॉज मेरा जैकी दादा से बहुत प्यार है. और जब फर्स्ट टाइम हमारे शो पे आए थे टाइगर, तब भी मैं इनको देख के ही थक जाता हूँ. एक्चुअली ये परफॉर्म ये कर रहे होते हैं, मेरी सांस फूलने लगती है कि कोई इतनी मेहनत कैसे करता है. पर सो प्राउड ऑफ यू टाइगर. और बैक टू बैक आपने जो इतनी अच्छी मजेदार फिल्में दी, और मुन्ना माइकल का जो ट्रेलर हमने देखा है वो भी इतना कमाल का लग रहा है. सो ऑलवेज रॉक करते हैं, इस बार भी रॉक करेंगे. थैंक यू सो मच. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. द होल टीम. पाजी, आई एम श्योर यू हैव सीन द सॉन्ग. अभी हम लोग पीछे भी बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ जिन लोग ने गलती से अगर मिस कर दिया है वो ऑलरेडी यू नो सुपर हिट हो गया है. सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस सॉन्ग बेपरवाह ऑन दिस ह्यूज स्क्रीन ओवर हियर. लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा और हल्ला हो जाए, थोड़ा और जोश हो जाए. दिस इज द बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ 2017. लेडीज एंड जेंटलमैन, बी बेपरवाह. जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग टीम ओवर हियर, एंड ऑफ कोर्स कपिल पाजी. एंड अब वो बड़ा वाला सरप्राइज. इसको देख के सच में हम सब भी एकदम से थक गए कि सांस वांस ले लेते हैं. पाजी, दिस वन्स फॉर यू. यहाँ पे इतने सारे गेस्ट्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे स्पेशल लोग आते हैं, आप उन्हें बड़ा उंगलियों पे नचाते हो. आज थोड़ा सा इसका ये रोल रिवर्सल करेंगे. ये गाने की कुछ पंक्ति ऐसे गुस्से से देख रहे हैं, क्या बोल रहा है? मुझसे डांस करवा रहे हो? कुछ एक स्टेप्स तो बनते हैं. बी बेपरवाह ना, मैं अपनी एक फिल्म की थी अब्बास मस्तान सर के साथ, तो मैं मुझे कहते हैं कि आपको डांस करना है. मैं कहा सर मेरे से होगा नहीं. कहते नहीं आपको पता नहीं है, आपको इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर अहमद खान सिखाने वाले हैं. तो मैंने कहा ये उनके करियर के लिए खतरा है, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा. तो मुझे आप जितना मर्जी करवा लो मेरे से हो, पर हाँ टाइगर मेरा भाई है, अगर कुछ सिखा सकता है तो उसके ऊपर जाए. सब टू यू टाइगर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? कुछ सो वी विल हैव द म्यूजिक राइट. आई विल टेक द माइक्स. आपके लिए आपके पास है. दिस इज फॉर यू. दैट वाज सुपर्ब. अभी एज अ जज, जैसे कहते हैं ना, साबिर भाई आपने आपकी तीसरी फिल्म है टाइगर के साथ, आपने कभी नहीं ट्राई किया? तो हो जाए, होना चाहिए यार. मैं इतनी देर टाइगर के साथ रह रहा हूं, दो स्टेप तो सीख ही जाता, एक तो आपका बनता है. सर मैं चाहता हूं कि लोग फिल्म देखें. नहीं, लोग फिल्म देखेंगे, उसमें आपने थोड़ा ना किया. पता चलेगा डायरेक्टर कैसे डांस करते हैं, नहीं देखेंगे तो उनको देखने दो. नहीं नहीं नहीं, उसमें टाइगर ही कर रहा है. यू हैव टू मेक सम नॉइज, तभी करेंगे वो, मेरे को लगता है. सर पब्लिक डिमांड के आगे कुछ नहीं चलता. आपने वो बेपरवाह भी पहना है सर, क्योंकि नहीं आता डांस, ये सब किया है. सॉरी साहब भाई, हमने आपसे पूछा डांस के लिए.
लेकिन हमने जो जो सवाल पूछे उनका एकदम सही जवाब यहाँ पे मिल गया है और ये फिल्म ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर है। बाकी कपिल शर्मा जी के लिए तो जो बोला जाए, जोरदार तालियां हो जाए एक बार वापस इस अमेजिंग टीम के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड आई थिंक दैट्स इट, जो हमारे भाई लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप, तो ओवर टू यू, खिच 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 हो जाए। जी We'll be right back.